हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेमंजन। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। और इस बैंक का अगर स्टॉक देखा होगा तो 375 के ऊपर आईपीओ ओपन हुआ था और 700 के करीब इसने हाई बनाया है। और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर धीरे धीरे करेक्शन भी हो रहा है। और इसके अंदर एक और न्यूज़ है जो आप तक पहुँचानी है। इसका अगर आप देखेंगे तो 565 के ऊपर क्लोजिंग थी इस के स्टॉक ने फ्राइडे को, और इसका हाई 741 का है और लो 375 का। काफ़ी अच्छा आईपीओ था, काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेंस भी दिए थे, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी हाई लगते हैं। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो न्यू लिस्टिंग है, इसके अंदर जो न्यूज़ आ रही है उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इसे ले लीजिए या इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आजकल अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में न्यूज़ बेस्ड, रूमर बेस्ड स्टॉक्स के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छी न्यूज़ आ रही है तो स्टॉक बढ़ रहा है, फिर अगर गलत न्यूज़ आती है तो स्टॉक डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर एक ये लेटर मैंने बंधन बैंक से निकाला है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि RBI हैज़ कम्युनिकेटेड बंधन बैंक फॉर नॉट ब्रिंगिंग डाउन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी टू 40%। 40% तक इनकी होल्डिंग होनी चाहिए, जो कि ज़्यादा है। तो वो एक कंप्लायंस था जो रिक्वायर है अंडर लाइसेंसिंग कंडीशन जनरल परमिशन टू ओपन। तो उसी के कारण जो है अभी ये न्यू ब्रांचेज ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉ कर दिया है RBI ने फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेज। और बैंक के जो MD और CEO है उनकी जो सैलरी है, रेमुनरेशन, वो भी फ्रीज कर दिया गया है जब तक कि ये 40% का जो इनका नॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और बैंक ने भी नेसेसरी स्टेप्स उठाने के लिए यहाँ पे कहा है कि वो फॉलो करेंगे और 40% तक जो नॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अप्रूवल लेकर ही न्यू ब्रांचेज ओपन करेंगे। तो ये एक न्यूज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास स्टॉक है या आप लेना चाहते हैं तो इसके बेस पे क्या होगा मार्केट में वो आपको देखना है। तो कहना यही है कि फ़िलहाल गाय गड़बड़ करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करिए। इस स्टॉक के अंदर भी अगर देखेंगे तो MD और CEO के रेमुनरेशन फ्रीज किए हैं, न्यू ब्रांचेज ओपन नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट शायद देखने को भी मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो लेकिन जो भी न्यूज़ नेगेटिव अगर आती है किसी भी स्टॉक में तो उससे फ़िलहाल दूर ही रहिए, ताकि अच्छे रेट पे, नीचे के रेट पे मिल सके और लॉन्गर टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सके। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।